हेलो गाइस, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं और आप ज़्यादातर कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से आप माउस का इस्तेमाल करें, वो भी विदाउट कीबोर्ड के हेल्प में। यानी आप कीबोर्ड को बिना छुए आप किसी भी फाइल यानी बहुत सारा फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारा सिस्टम में। जैसे कि मैं देखिए, मेरा एक फोल्डर खुल चुका हूँ। खुलने के बाद अगर मैं एक फाइल को क्लिक करता हूँ और दूसरे फाइल को क्लिक करता हूँ तो वो पहला वाला सिलेक्ट वो हट जाता है। यानी मुझे पूरा सिलेक्ट करने के लिए मुझे माउस से क्या करना पड़ता है, पूरा ऐसे की कंट्री से सिलेक्ट करना पड़ता है। और मैं अगर एक एक बारीक से करना चाहूँ तो मुझे कंट्रोल यानी कीबोर्ड के अंडर कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए मुझे करना है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कीबोर्ड को बिना छुए यानी कंट्रोल बटन को बिना दबाए कैसे आप बारीकी से एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हूँ राकेश रॉय और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। तो चलिए बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो अगले वीडियो को देखने के लिए। तो आप कैसे कर पाए, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग्स यानी एक्टिवेट करना होगा। तो सेटिंग्स एक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको जाना है विंडोज बटन में। जाने के बाद आपको जाना है यानी कंट्रोल पैनल, इसमें आपको जाना है। जाने के बाद आपको इधर से मिल जाएगा फोल्डर ऑप्शन का, यानी आपको फोल्डर ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप व्यूज पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इसमें आप देखेंगे एक अनचेक क्या हो रहेगा, उसमें लिखा है यूज चेक बॉक्स टू सिलेक्ट आइटम्स। ठीक है, तो आपको इसमें चेक बॉक्स लगाना है और इसमें आपको अप्लाई करना है और ओके करना है। ठीक है, करने के बाद आप इसको अभी विंडो को बंद करना है। करने के बाद सेम सिस्टम से आप देखिए एक फोल्डर को ओपन करना है। करने के बाद आप फाइल को ओपन करना है और जैसे कि मैं एक फाइल खोल लेता हूँ, जैसे कि मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद देखिए मेरे एक एक फाइल है, यानी देखिए जब भी मैं विदाउट माउस, अभी मैं सॉरी विदाउट कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। कैसे, देखिए मैं अभी देखिए किसी फाइल को लेकर जा रहा हूँ तो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, मुझे ये फाइल चाहिए तो मुझे और ये भी फाइल चाहिए। ठीक है, मुझे अभी ये भी फाइल चाहिए। देखिए यानी मैं तीन फाइल सिलेक्ट कर चुका हूँ विदाउट कीबोर्ड, यानी कंट्रोल बटन को बिना प्रेस किए मैं उसको सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और मैं चाहे तो इसको डिसलेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए तो ये तो हुआ आज का मेरा बहुत अच्छा सा टॉपिक्स, अगर बहुत ही छोटा वीडियो था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करो वीडियो को, और आपका अगर आप किसी दोस्त को बताना चाहते हो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करो व्हाट्सएप फेसबुक्स में इंस्टाग्राम्स में, और प्लीज़ 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 प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। तो अगले वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे अगर रोजाना वीडियो डालते रहता हूँ आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।